नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राहुल बंसल बुकिनार फॉर होलिस्टिक हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का बुकिनार जिस पुस्तक पर आधारित है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, प्रेयर, द पावर ऑफ प्रेयर एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यानी मेडिसिन की प्रैक्टिस में प्रेयर का क्या रोल है और क्या होना चाहिए, इस पर एक किताब लिखी है लैरी डॉजी MD। लैरी डॉजी कोई साधारण डॉक्टर नहीं है, ये अमेरिका के एक नामी गुरामी मेडिकल स्कूल से पास किया है इन्होंने, और ये चीफ रहे हैं स्टाफ ऑफ ह्यूमाना मेडिकल सिटी डॉलास, करेंट को चेयरमैन ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश पैनल ऑफ माइंड बॉडी इंटरवेंशंस। 1988 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी मेमोरियल लेक्चर के लिए न्यू दिल्ली बुलाया था, जो कि एक अपने आप में एक बड़ी बात है, और पूरी दुनिया में ये लेक्चर लेते हैं, और एक मैं कह सकता हूं एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। और इस किताब के कारण दो बार ओपरा विनफ्रे शो में इनको बुलाया गया है, और इनकी बहुत सारी बेस्ट सेलर्स हैं इसके अलावा, जैसे रिकवरिंग द सोल, मीनिंग एंड मेडिसिन, स्पेस टाइम एंड मेडिसिन, और सभी किताबें बहुत बहुत ज्यादा मशहूर किताबें हैं। लैरी डॉजी शुरू में ही लिखते हैं कि जब इन्होंने अपना पढ़ाई शुरू करी मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, तो शुरू में ये इंटरेस्टेड नहीं थे इन चीजों में, स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह में, जैसे कि ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। मगर फिर उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, और जब इन्होंने रिसर्च पढ़ी प्रेयर के ऊपर, इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो ये आश्चर्यचकित रह गए। इन्होंने पाया कि प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीजों पर पॉजिटिव इफेक्ट इन्होंने देखा, ब्लड प्रेशर पर, हार्ट अटैक पर, वुंड्स पर यानी घावों पर, हेडेक्स पर, एंजाइटी पर वगैरह, इन सब चीजों पर इन्होंने उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा। उसके अलावा इन्होंने ये पाया कि रिसर्च केवल स्पिरिचुअल हीलिंग केवल मानव पे केंद्रित नहीं थी, एंजाइम्स पर, बैक्टीरिया पर, फंगस पर, कल्चर प्लेट्स पर, कैंसर सेल्स पर, पेसमेकर सेल्स पर, सीड्स पर, बीजों पर, प्लांट्स पर, इतना जबरदस्त उस समय, इतना पहले, ये लगभग 25 साल से भी पहले की किताब है, उनको इतना रिसर्च मिला कि ये ओवरवेल्म्ड हो गए, अभिभूत हो गए, और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये एविडेंस इतना जबरदस्त है, क्या ऐसा तो नहीं है मेडिकल साइंस का एक बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, ऐसा इनको इन्होंने लिखा इसमें। और इन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी स्टूडेंट अपने पेशेंट्स के लिए प्रे नहीं करूंगा तो मैं एक तरह से गिल्ट महसूस करूंगा, मैं अपराधी महसूस करूंगा, अपराधी तो नहीं कहना चाहिए अपने को, एक मेरे अंदर गिल्ट होगा कि मैंने अपने पेशेंट्स के लिए प्रे क्यों नहीं किया, और इन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए प्राइवेटली प्रे करना शुरू कर दिया। और इन्होंने और स्टडी करी और प्रेयर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इन्होंने इस किताब में दी है, जैसे कि इन्होंने पाया कि प्रेयर में, प्रेयर करने वाले का उपस्थित होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यानी आप किसी के लिए अगर प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बहुत दूर भी हो सकता है, सैकड़ों मील दूर भी हो सकता है, तब भी प्रेयर का, प्रार्थना का इफेक्ट कम नहीं होता, और वो किसी बैरियर से भी नहीं रुकता, यानी कि स्टील का बैरियर हो या इवन लेड का बैरियर हो, यानी कि वो किसी भी तरह से बाधा नहीं पड़ सकती उसमें, ये इन्होंने पाया। फिर उन्होंने पाया कि प्रेयर दो तरह की मुख्यतः होती है, डायरेक्टेड प्रेयर एंड नॉन डायरेक्टेड प्रेयर। डायरेक्टेड प्रेयर वो जिसमें हम एक पर्टिकुलर, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, ये वाली चीज ठीक हो जाए, ऐसा ये बीमारी ठीक हो जाए, और नॉन डायरेक्ट प्रेयर है जब हम कहते हैं
प्रभु जैसा सर्वाधिक उचित हो वैसा हो, जैसा सब जिसमें भलाई हो वैसा हो, लेट दाई विल बी डन, उसको नॉन डायरेक्टेड प्रेयर कहते हैं। और ये बताते हैं नॉन डायरेक्ट प्रेयर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे, हालांकि डायरेक्टेड प्रेयर भी कारगर पाई इन्होंने। एक जगह ये कहते हैं कि प्रेयर या प्रार्थना का सक्सेसफुल होना केवल मेडिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? यदि प्रेयर सक्सेसफुल होती है लार्ज डिस्टेंसेस में भी, अक्रॉस द ग्लोब भी, इसका मतलब ये इशारा करती है कि हम, हमारी चेतना भी उस सार्वभौमिक चेतना का ही पार्ट है। यानी कि हम केवल इस फिजिकल बॉडी या इस मस्तिष्क तक केंद्रित नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी इटर्नल या अनंत कहना चाहिए हमारी एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता है। इसलिए कहते हैं ये रिसर्च बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है मानव जाति के लिए। इसके बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि प्रेयर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई हम ऐसा सोचे कि कोई एक्सटर्नल गॉड या भी इस तरह का कोई चीज जो भी कल्पना है उसको हम ऐसा करें कि वो कहीं हमसे दूर बैठा है या हम अलग बैठे हैं। वो कहते हैं कि वो और हम, यदि हम उसको एक कंटिन्यूटी मान लें, एक ही कंटिन्यूम मान लें, तो फिर प्रेयर जहां है जैसे हैं वहीं से और जहां पहुंचनी है वहीं तुरंत पहुंच सकती है, क्योंकि कोई बीच में एक गैप या कहीं कोई और जाना नहीं होता है, ऐसा इनका मानना है। एक आगे एक कंसेप्ट जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं इस पुस्तक में से, वो इनकी सभी पुस्तकों में लगभग है और शायद इनका एक लैरी डॉजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा इसको ह्यूमैनिटी के लिए। ये मेडिकल साइंस को तीन एरा में बांटते हैं, एरा वन मेडिसिन, एरा टू मेडिसिन और एरा थ्री मेडिसिन। एरा वन मेडिसिन ये कहते हैं 1860 से 1950 तक, वो वाला पीरियड जब साइंटिफिक एस्पेक्ट शुरू हुआ मॉडर्न मेडिसिन में। 1950 से और अभी तक भी एरा टू मेडिसिन, और लेट 90s से यानी कि 1990 के बाद से लगभग और अभी तक और आगे तक एरा थ्री मेडिसिन। एरा वन मेडिसिन मेटेरियलिस्टिक प्योरली फिजिकल मेडिकल अप्रोचेस को ये कहते हैं, जिसमें सर्जरी है, ड्रग्स है, इवन एक्यूपंक्चर वगैरह है, हर्ब्स हैं, और ये न्यूटोनियन फिजिक्स पर आधारित है, बॉडी को एक मशीन मान के चलती है और इसमें माइंड का कोई रोल नहीं है। ठीक, एरा टू मेडिसिन माइंड मुख्य प्लेयर है, मानी कि हमारी चेतना वो मुख्य है, मगर वो शरीर तक ही सीमित है और उसके में फिर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इन सबसे, न्यूरो ट्रांसमीटर से वगैरह से माइंड बॉडी को बहुत स्ट्रांगली बहुत जबरदस्त ढंग से प्रभावित करती है और माइंड का हीलिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निकल के आता है। इसमें अपनी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, हिप्नोसिस, बायोफीडबैक, काउंसलिंग आदि इन सब का महत्वपूर्ण रोल है। एरा थ्री मेडिसिन सबसे चौंकाने वाली बात है, जहां माइंड, जैसा मैंने पहले बताया जो चेतना है वो इस शरीर या इस मस्तिष्क तक नहीं है, वो सार्वभौमिक है, स्पेस टाइम से परे है, देश काल से परे है, ऐसा ये एरा थ्री मेडिसिन को कहते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, इंटेंशन हीलिंग ये सब प्रमुख है और इसमें ये सब सारी चीजें आती हैं, जैसे डायग्नोसिस एट ए डिस्टेंस, टेलीसोमेटिक इवेंट्स, इनका हम वर्णन बाद में करेंगे, डिस्टेंस हीलिंग। और ये भी कहते हैं कि एरा थ्री मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि एरा टू या एरा वन हट जाते हैं, वो भी रहते हैं, उनका भी रोल रहता है, मगर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से ये बात करते हैं। फिर डायग्नोसिस से डिस्टेंस का जिक्र किया अभी, संक्षेप में बताता हूं, नॉर्मन शैली एक एमडी डॉक्टर हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड फेमस हीलर कैरोलिन मिस के साथ मिलकर अपने ऑफिस में बैठे बैठे, कैरोलिन मिस 1200 माइल्स दूर थी, अपने पेशेंट्स की डायग्नोसिस फोन पे उनको बताया, पेशेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ बस, और 1100-1200 मील दूर बैठे हुए कैरोलिन मिस ने 93% एक्यूरेसी से
93% करेक्टनेस से डायग्नोसिस बताई, जो कि एक आश्चर्यजनक बात थी। और इसको इन्होंने अपनी पुस्तक द क्रिएशन ऑफ हेल्थ मर्जिंग मेडिसिन विद इंट्यूटिव डायग्नोसिस नाम की पुस्तक में इन्होंने इसको पब्लिश किया है। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नॉर्मन शेली हार्वर्ड ट्रेन न्यूरोसर्जन है और फाउंडर है अमेरिकन होलिस्टिक मेडिकल एसोसिएशन के। इसी तरह से एक बहुत बड़ी संस्था है मित्रों जो इस फील्ड में काम कर रही है, माइंड साइंस फाउंडेशन सेंट एंटोनियो टेक्सास, और इसके विश्व प्रसिद्ध रिसर्चर हैं विलियम जी ब्रॉड, और इनके साथ काम कर रही हैं मैरिलिन श्लिट्स, ये दोनों ही मशहूर हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। इन्होंने इसी फिनोमिना पर, डिस्टेंस हीलिंग पर, और कैसे एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट्स हो, उनके बीच में किस तरह से कितना जबरदस्त ट्रांसमिशन हो सकता है अक्रॉस डिस्टेंसेस, दूरी पर भी, इस पर इन्होंने बहुत साइंटिफिक काम किया है। एक और बहुत बड़ी संस्था है जो इसमें लगी हुई है इस रिसर्च में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीएआर लैब, पीएआर लैब। यहां पर दो विश्व प्रसिद्ध रिसर्चर्स हैं, रॉबर्ट जॉन और ब्रेंडा ड्यून, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है मार्जिन्स ऑफ रियलिटी। ये 30 साल से इस काम में लगे हुए हैं और इन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत दूरी पर भी रैंडम फिजिकल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मेंटल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर इन्होंने बहुत साइंटिफिक, थोरोली साइंटिफिक काम किया है। टेलीसोमेटिक इवेंट्स का जिक्र किया था हमने एरा थ्री मेडिसिन में। आपको सबको मालूम है कि माताओं को कई बार ये पता चल जाता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी अगर कहीं बीमार है तो जहां उसको चोट लगी है उस माँ को भी उसी अंग में दर्द हो जाता है। ऐसा पति पत्नी में भी हो सकता है, भाइयों भाई में भी हो सकता है, ट्विन ब्रदर्स में ज्यादा होता है, इसको कहते हैं टेलीसोमेटिक इवेंट। इस पर भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं और ये पाया गया है कि ऐसा फीमेल्स में ज्यादा होता है, शायद इस कारण कि फीमेल्स ज्यादा एम्पैथेटिक, और ये जब होता है जब उन दो प्राणियों का आपस में बहुत स्नेह का बहुत प्रगाढ़ संबंध हो। इसी तरह से एक बहुत बड़ी संस्था है जो इसमें काम कर रही है, स्पिन ड्रिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलम ओरेगॉन, ये भी बहुत बड़ी संस्था है, बहुत जबरदस्त इन्होंने शोध किया है और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी लैब में, जर्मिनेटिंग सीड्स पर करते हैं, फंगस पर करते हैं आदि पर, और इन्होंने सिद्ध किया है और इनके एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने रिपीट करके दिखाए हैं। साइंस में एक चीज होती है रिपीटेबिलिटी, कि क्या आप वही रिजल्ट बार बार दे सकते हैं, इन्होंने वो दे के दिखाया कि किस तरह से मेडिटेटर्स, इनके पास एक्सपर्ट मेडिटेटर्स है, उनसे इन्होंने जब मेडिटेशन कराया तो सेल के सीड्स के जर्मिनेशन पर, पौधे के ग्रोथ पर, बैक्टीरिया पर वगैरह पर बहुत अच्छा इन्होंने उसका प्रभाव देखा। और इन्होंने दोनों तरह की प्रेयर्स का इस्तेमाल किया, डायरेक्टेड एंड नॉन डायरेक्टेड, हालांकि नॉन डायरेक्टेड का ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला बट डायरेक्टेड का भी इन्फ्लुएंस मिला। डायरेक्टेड प्रेयर्स के ऊपर भी रिसर्च हुई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर हॉवर्ड हाल पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने हिप्नोसिस के द्वारा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करके दिखाया ह्यूमन बीइंग्स में। इसी तरह से कैंसर की ग्रोथ कम करने में भी डायरेक्टेड प्रेयर का इफेक्ट देखा गया। फिर एक और बात कहते हैं ये इस रिसर्च के माध्यम से लैरी डोजी कि प्रेयरफुलनेस प्रेयर करने से और ऊंची स्थिति है, यानी प्रार्थना में हो जाना, एक तो है प्रार्थना करना, एक प्रार्थना में हो जाना। प्रार्थना में हो जाने में क्या है, समर्पण है, स्वीकारोक्ति है, उसमें बहुत ज्यादा इस बात का कहना चाहिए आशा नहीं है या इस तरह की अभिलाषा नहीं कि ठीक ही हो जाऊं, जैसा है ठीक है और उसके लिए वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसे में ज्यादा हीलिंग पाई गई है जब ये प्रेयरफुलनेस वाली या इस तरह की बात है, ये इन्होंने कही है। ह्यूमन टिश्यूज को लेके भी रिसर्च हुई है, विलियम जी ब्रॉड, वही मैंने बताया माइंड साइंस फाउंडेशन टेक्सास,
इन्होंने ये देखा कि साधारण लोगों को, आम लोगों को इन्होंने बुलाया, 22 लोगों को, और रेड ब्लड सेल्स को इन्होंने डाइल्यूट पानी में रख दिया जिससे उनमें हिमोलिसिस की संभावना हो जाती है, वो फट जाती हैं। और इन्होंने देखा कि उन 22 वॉलेंटियर्स ने जब अलग रखी हुई थी वो दूसरे कमरों में रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, तो उनके उस हिमोलिसिस में उन्होंने उनकी प्रेयर से फर्क पड़ा, काफी हद तक फर्क पड़ा। इसी तरह से जो विश्व प्रसिद्ध स्टडी है रैंडोल्फ बायर्ड की, जो दुनिया की शायद हो सकते हैं पहली रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल थी प्रेयर के ऊपर, जो कि सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने करी, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 353 पेशेंट्स को उन्होंने लगभग दो भागों में बांटा रैंडमली, बिना किसी उसके, जैसे हम कहते हैं सिक्का उछाल के, बिना चॉइस के, और उन्हें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था और किसी को नहीं पता था, ना नर्स को, ना उन पेशेंट्स को, ना उनके रिलेटिव्स को, ना डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर्स को, कि ये प्रेयर इनके लिए हो रही है और किनके लिए नहीं हो रही। सो एवरीथिंग वाज, वो ऐसे ही चल रहा था जैसा चल रहा है। और प्रेयर कराई गई दूर दराज के प्रेयर ग्रुप से उन पेशेंट्स का, उनका केवल नाम और उनका केवल डायग्नोसिस भेजा गया, कोई फोटो वगैरह नहीं। और जब उन्होंने रिव्यू किया 6 महीने बाद, वो खुद ही चौंक गए, जो प्रेयर फॉर ग्रुप था उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ऐसा लगा था जैसे उन्हें कोई स्पेशल ड्रग दी गई हो। और जो प्रेयर के क्रिटिक्स थे उस समय, आलोचक, उन्होंने भी उस स्टडी को पढ़ के कहा था, भाई अब तो शायद हमें लिखना पड़ेगा प्रेयर फॉर माई पेशेंट मॉर्निंग इवनिंग, ऐसा करके ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि बाद में उस स्टडी में भी बहुत सारी खामियां ढूंढी लोगों ने, लोग तो ढूंढी लेते हैं, होंगी भी, मगर आज भी ये स्टडी एक लैंडमार्क स्टडी है। उसके बाद तो 150 से ज्यादा स्टडीज उस तरह से हो चुकी है जिनमें अच्छा खासा परिणाम निकल के आया, इस किताब में वो नहीं दिए। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स पर जो स्टडी हुई है, अगेन विलियम ब्रॉड और मैरिलिन ने करी है, 62 लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया, 271 लोगों के फिजियोलॉजी को अफेक्ट करने के लिए। और क्या इफेक्ट देखा गया? इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, जो स्किन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसको एक्यूरेटली नापा जा सकता है। और उनमें से कुछ के लिए कहा गया कि इसको बढ़ाइए, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उसको घटाइए। और ये देखा गया कि ऐसा मिला, तो वो प्रभाव मिला उन्हें, और बहुत साइंटिफिकली उन्होंने उसको टेस्ट किया और वो मिला। इसी तरह से 333 लोगों को उन्होंने के माध्यम से 13 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल इमेजरी, यानी कि कुछ लोग बैठे हुए थे जो ये इनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, और उन्होंने अपनी इमेज बिना किसी फिजिकल मींस के उन रिसीवर्स में ट्रांसफर करी, अच्छा सक्सेसफुल रेट के साथ। उसके अलावा नॉन ह्यूमन स्टडीज बहुत हुई हैं। डेनियल जी बेनोर हैं MD, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं जो इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने 1990 के पहले इंग्लिश भाषा में छपी हुई सारी स्टडीज ढूंढी जो कि सॉलिड साइंटिफिक थी, और उन्हें 131 स्टडी मिल गई। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 131 स्टडी होने के बाद भी साइंस जो है या मेडिकल साइंस है इसको क्यों नकारती है। और आगे उसका उत्तर भी दिया है उन्होंने, ऐसा क्यों है। उनमें से कुछ स्टडीज मैं बताता हूं संक्षेप में। 10 लोगों को कहा गया कि वो फंगस की ग्रोथ को एक कल्चर मीडियम में कम करें, 60 लोगों ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को कल्चर मीडियम में घटाया या बढ़ाया, और बहुत इंटरेस्टिंग, 60 लोगों ने जो स्टूडेंट्स थे, ईकोलाई एक बैक्टीरिया है, खतरनाक भी हो सकता है, उसमें म्यूटेशन की रेट को, म्यूटेशन आप समझते हैं जो परिवर्तन आता है DNA में, उसकी रेट को घटाया बढ़ा दिया अपने मेडिटेशन या प्रेयर से। इसको लैरी डेज़ी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि यदि ये और रिसर्च हो इस पर, और ह्यूमन बीइंग्स अगर खतरनाक बैक्टीरियाज की रेट को कम कर सकें, और अच्छे बैक्टीरिया जैसे हमारे पेट में होते हैं उसको बढ़ा सकें, और म्यूटेशन को प्रभावित कर सकें, तो मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ऐसा वो कहते हैं। प्लांट्स पर भी स्टडी हुई है। डॉक्टर बर्नार्ड ग्रेड ने मैकगिल यूनिवर्सिटी के, एस्टन बेनी एक हीलर हैं, उनके माध्यम से उन्होंने प्लांट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, चूहों पर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें घाव बना के उन घाव की हीलिंग को उन्होंने
बहुत फास्ट करके दिखाया। अब अंत में ये बात है जो पहले आई थी कि ऐसा होते हुए भी, इतना एविडेंस होते हुए भी, साइंटिस्ट क्यों इस डिस्टेंस हीलिंग को या इंटेंशनल हीलिंग को क्यों इग्नोर करते हैं। इसका आंसर इन्होंने खुद ही दिया है इस पुस्तक के माध्यम से। वो कहते हैं बेनॉर, इसके बहुत सारे कारण है। एक तो साइंस एट लार्ज और इवन मेडिकल साइंस ये ज्यादा थोरोली मेटेरियलिस्टिक हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स पर आधारित हैं और नॉन मेटेरियल चीजों को अभी भी स्वीकार करने में इनको हिचक है। तो ये कारण है कि इनको लगता है जैसे मेडिकल साइंस में अभी भी फिजिकल थेरेपीज को ही मुख्य माना जाता है, चाहे वो ड्रग्स हो, सर्जरी हो वगैरह वगैरह, नॉन मेटेरियल थिंग्स को अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये उस समय की बात है, आज थोड़ा सा फर्क है। दूसरा, साइंटिस्ट को ये लगता है कि ऐसा करने में हमारी जो पुरानी जो जमी हुई धारणा है उसके ऊपर आघात होता है और हर व्यक्ति अपनी पुरानी बात को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्हें एक भय भी लगता है कि दूसरा आदमी अगर दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो ये तो बड़ा मुश्किल है। एक कहीं ना कहीं इसमें एक डर वाली बात, एक अनसर्टेनिटी वाली बात भी आ जाती है इस तरह से। और अंत में ये कहते हैं कि एक मुख्य कारण ये है कि जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे रेंडोर बार्ड ने किया, बहुत सारे हो चुके हैं, मैंने बताया 150 के ऊपर हो चुके हैं, इनमें कई जगह अच्छी सक्सेस मिली है और कई जगह नहीं भी मिली है। सो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। लैब एक्सपेरिमेंट्स में पूरी है, जब फंगस पे, प्लांट्स पे, सीड्स पे, उनमें बिल्कुल रिपीटेबिलिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है, बट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं है, क्लिनिकल में नहीं है। तो ये कहते हैं ये भी एक कारण है। लैरी डोज़ ये कहते हैं ऐसा तो बहुत साइंस में होता है। अगर हम सेल या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढना चाहें तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम नहीं ढूंढ सकते। प्रेडिक्ट केवल एक संभावना हम बताते हैं कि सेल यहां होगा। इसी तरह अर्थक्वेक के बारे में हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वेदर के हम एग्जैक्ट प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता इस रिसर्च को नकारने का। अंत में लैरी डोज़ ये कहते हैं कि ऐसे संभावनाएं लिखते हैं आगे के लिए। मैंने बताया आपको लगभग 25 साल पुरानी पुस्तक है, ये क्लासिक है। ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या संभावना है, वो ये बताते हैं। धीरे धीरे ये रिसर्च और ज्यादा आगे बढ़ेगी स्पिरिचुअल हीलिंग पे या डिस्टेंस हीलिंग पर, धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि मेडिकल साइंस के लोग इसको नहीं नकार पाएंगे और वो मेडिकल साइंस का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शेड्यूल में आ जाएगा, प्रेयर हीलिंग या प्रार्थना। और इतना ये हो जाएगा जरूरी कि यदि हम किसी के लिए नहीं करेंगे तो वो मेडिकल माल प्रैक्टिस के रूप में भी शायद माना जा सकता है। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम साइंस है मेडिकल साइंस के अलावा, वो भी स्वीकार करेंगे और साइंटिस्ट में और धर्म में जो आपस में झगड़ा है वो कम हो जाएगा। साइंटिस्ट भी इसको और स्वीकार करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं कि यदि प्रेयर को, डिस्टेंस हीलिंग को मेन स्ट्रीम साइंस स्वीकार करती है तो साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो होनापन है, वो इस शरीर तक या इस मन तक स्थित नहीं है, वो शरीर और मन के जाने के बाद भी रहता है। यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं उसमें आत्मा जैसी बात, सोल जैसी बात माननी पड़ेगी, आएगी। और जब ये आ जाएगी तो लोगों को मृत्यु का भय कम हो जाएगा। हालांकि लैरी डोज़ कहते हैं तब भी लोग डिजीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब भी लोग जीवाणु और विषाणुओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब भी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर भय नहीं होगा, भय नहीं होगा, विजडम के साथ ऐसा करेंगे, वो अलग बात हो जाएगी। मेडिकल साइंस में भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और इसी के साथ प्रार्थना में फियर एलिमेंट या डर का एलिमेंट कम होके उसमें एक थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद पूर्ण, एक प्रेम पूर्ण, स्नेह पूर्ण प्रार्थना होगी जो कि पूरे विश्व के लिए होगी। और मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि ये जो लैरी डोज़ ने कहा ऐसा होना शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, द बिगेस्ट इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, जिसकी लीड कर रही हैं लिन मैकटैगार्ट। ये दुनिया का बिगेस्ट इंटेंशन एक्सपेरिमेंट है साथियों, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें कई का नाम मैं ले चुका हूं। और ये टेक पार्ट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंड ओवर मैटर एक्सपेरिमेंट, ये अभी भी चल रहा है। इसमें लोग, हजारों लोग प्रार्थना करते हैं एक टाइम पर
किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, चाहे पौधों के लिए, चाहे सीड्स के लिए, और उसका इफेक्ट साइंटिफिकली स्टडी किया जा रहा है। बहुत ही सुखद और आश्चर्य की बात है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, आजकल जिस क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं साथियों, अगर हम विश्वास करें इस रिसर्च पे, तो हम सबको मिलके पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ इस तरह से कि जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत, इस तरह की प्रार्थना, या जिस भी भाषा में करना चाहें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे पूरी मानव जाति का फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।